हेलो नमस्कार दोस्तों, जय श्री टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। और दोस्तों हम निम्मी असाइनमेंट को सोल्व कर रहे हैं, जो निम्मी की इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर की जो बुक आती है, ठीक है, निम्मी से संबंधित उसको बात कर रहे हैं। निम्मी इलेक्ट्रीशियन जो फर्स्ट ईयर की बुक आती है उसकी बात कर रहे हैं। इसमें जो अभ्यास रहने वाला है आज की वीडियो में वो रहेगा अभ्यास नंबर 106 से संबंधित जो भी सिद्धांत बताए गए निम्मी की बुक में उसकी हम बात करने जा रहे हैं। तो अभ्यास 106 में आपको क्या बताया गया है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आज जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे उस चीज़ को देखते हैं कि ओम के नियम के अनुप्रयोग, ठीक है, किसकी बात करने जा रहे हैं हम इस वीडियो में। ओम के नियम के अनुप्रयोग की बात करेंगे, ठीक है, अप्लायंस ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है, इस चीज़ की हम बात करेंगे। अब इसमें उद्देश्य क्या रहेगा हमारा, ये जो वीडियो रहेगा इसका उद्देश्य क्या होने वाला है, तो इसकी बात करते हैं। इसकी जो हमारा जो उद्देश्य रहने वाला है कि इस पाठ के अंत में आप किसके योग्य होंगे उसकी बात कर लेते हैं। तो आपको ये पॉइंट दिया गया है कि ओम के नियम का प्रयोग करके दिए गए अन्य दो मानों में से किसी एक का लुप्त मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है, जो ओम्स का नियम आता है, ओम्स का लॉ आता है, उसका प्रयोग करके आप किसी भी एक का मान को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, दो मानों में से किसी भी एक लुप्त मान को ज्ञात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो अभ्यास 105 पिछला जो अभ्यास था उसकी बात की गई है। यहाँ पर एक सरल परिपथ की संरचना समझाई गई है, वो मैं कभी साधारण के कोई वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बता दूंगा। आज का जो वीडियो रहेगा वो किससे संबंधित रहेगा, अभ्यास 106 से संबंधित सिद्धांत के बारे में रहने वाला है। देखिए इसमें बात किसकी कर रहे हैं हम, तो इस वीडियो में हम अध्याय के बारे में चलते हैं। तो देखिए दोस्तों जो यहाँ पर इस वीडियो में बात की गई है वो किसकी बात की गई है, तो ओम के नियम के सत्यापन की इस वीडियो में बात की गई है। यह नया संबंध उन संख्याओं पर बल देता है जिनको सरलता से मापा जा सकता है या विद्युतिक उत्पादनों के निर्माताओं द्वारा साधारणतः तय विनिर्देशित किया जाता है, ठीक है। जो ओम के नियम का सत्यापन होता है ये केवल उन्हीं संख्याओं पर बल देता है जिनको सरलता से मापा जा सकता है। अब सरलता से किन किन को मापा जा सकता है, जैसे वोल्टेज हो गया आसानी से माप सकते हैं, धारा हो गई, रेजिस्टेंस हो गया, इनको सरलता से मापा जा सकता है, तो इनके नियमों पर ध्यान देता है। दूसरा साधारणतः इनको निर्दिष्ट किया जा सकता है, ठीक है, जैसे वोल्टेज में, एम्पियर में, उसकी बात की गई है। संक्षिप्त में ओम के नियम को हम इस प्रकार से कह सकते हैं। देखिए संक्षिप्त में जो ओम का नियम होता है वो क्या होता है कि धारा वोल्टेज के समानुपाती होती है और प्रतिरोध के विलोमानुपाती होती है, ये ओम का नियम होता है। एक लाइन में आपको बता दिया गया जो स्पष्ट तौर पर आपको ये पता लग गया कि धारा जो है आई जो होगी वो वोल्टेज के समानुपाती होगी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, मैं जो आपको बताने जा रहा हूं कि जो धारा होती है, देखिए एक बार मैं फिर से बताता हूं कि धारा वोल्टेज के समानुपाती प्रतिरोध के विलोमानुपाती होती है। आपको याद क्या रखना है कि हमेशा आई वी के समानुपाती होती है, हमेशा जो आई होगी वो वी के समानुपाती होगी, न कि वी के समानुपाती आई होगी। तो डीएमआरसी 2016 में भी ये क्वेश्चन आया था कि निम्न में से ओम का नियम है, जिसमें आपको ये दोनों ऑप्शन दिए गए थे, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होगा कि वी समानुपाती आई ना होकर के क्या होगा, आई समानुपाती वी होगा। तो धारा वोल्टेज के क्या होती है, समानुपाती होती है, तो क्या होगा, आई समानुपाती वी। एक तो ये सिद्धांत बन गया। सेकंड बात की गई है प्रतिरोध के विलोमानुपाती होती है धारा, तो आर समानुपाती 1/R, ये विलोमानुपाती हो गए, आई समानुपाती 1/R हो गया, ठीक है। तो यहाँ से एक मैं सूत्र यदि बनाऊँ तो एक सिंपल सा ये सूत्र बनेगा, क्या बन जाएगा कि देखिए जैसे मेरे पास क्या बन गया कि आई बराबर वी अपॉन आर, ठीक है। यदि हम उस समीकरण को मिलाया, एक तो मैंने किसको मिलाया कि आई समानुपाती वी को, सेकंड मैंने किसको मिलाया कि आई विलोमानुपाती 1/R, दोनों को मिलाया तो क्या बन गया, आई बराबर वी अपॉन आर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये जो ओम का नियम है ये किन कंडीशनों में लगेगा, ये भी क्वेश्चन कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो कब लगेगा, जब ताप स्थिर रखा जाता हो, ठीक है, जब ताप और दाब की जो अवस्थाएँ होंगी वो क्या होंगी, स्थिर होंगी, तो कौन सा नियम लगेगा, ओम का नियम लगेगा। अब देखिए दोस्तों इसमें आपको ये नेक्स्ट में आपको क्या दिया गया है कि देखिए फिगर फर्स्ट में विभाजित त्रिभुज ओम के नियम को संबंध को याद रखने में सहायक होता है। ये आपके पास क्या दिया गया है, फिगर फर्स्ट, और इस चित्र में आपको क्या दिखाया गया है, ओम के संबंध को आप कैसे याद रख सकते हैं। देखिए इस त्रिभुज में तीन
डिवाइड भागों में किया गया है, त्रिभुज को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? वी आई और आर, वी आई और आर में इसको विभाजित किया गया। यहाँ पर आपको बताया गया वी का मतलब वोल्टेज होता है, आई का मतलब करंट होता है, और आर का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। ठीक है दोस्तों, वी वोल्टेज, आई करंट, और आर क्या हो गया? रेजिस्टेंस हो गया। इस फिगर फर्स्ट को आपको ध्यान से देखना है। क्या देखना है? कि वी आई और आर, ठीक है, ओम के नियम को समझने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या होता है ओम के नियम में? वी आई और आर होता है। इस फिगर से आपको केवल इतना ही समझना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहाँ चलते हैं कि इस जो फिगर में आपने, जैसे इस फिगर में देखा, क्या देखा आपने कि वी आई और आर आपने देखा, तो गणितीय व्यंजक में ओम के नियम को निम्न प्रकार से, अब इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, उस चीज़ को बताया गया कि ओम के नियम को कैसे लिख सकते हैं। तो प्रतिरोध आर बराबर वोल्टता अपॉन धारा, वी अपॉन आई। ठीक है, तो आर बराबर क्या हो गया? वी अपॉन आई हो गया। ठीक है, ये इस प्रकार से अपन इसको लिख सकते हैं, R बराबर V अपॉन I। या फिर मैं और कुछ चेंज करूँ, जैसे जैसे R का मान मेरे को निकालना है, तो R को क्या कर लोगे आप? यहाँ से हिडन कर लोगे, R के ऊपर अपना अंगुली रख लोगे, या फिर R को कवर्ड कर दोगे। ठीक है, तो मेरे को R का मान ज्ञात करना है, तो मैंने क्या कर दिया? R के कवर्ड कर दिया। ठीक है, तो R का मान क्या आ जाएगा? V अपॉन I। R बराबर क्या आ जाएगा? R बराबर V अपॉन I आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको यहाँ से समझ में आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं फिगर टू में, और फिगर टू में आपको क्या दिया गया है उसको देखते हैं। देखिए फिगर टू के चित्र को आपको ध्यान से देखना है। फिगर टू के चित्र में आपको क्या दिया गया है? वी, वही एक त्रिभुज दिया गया है, तीन भागों में इसको, पार्टों में डिवाइड किया गया है, वी आई और आर के भागों में। ठीक है, और यहाँ पर ये बोला गया है कि आर कवर्ड रीड्स। ठीक है, तो आर को कवर्ड कर दिया गया है। ठीक है, आर को क्या कर दिया गया है? यहाँ से कवर्ड कर दिया गया है, लखुद आर को क्या कर दिया? छिपा दिया गया है। ठीक है, तो आर को छिपाएंगे तो क्या बचेगा? वी अपॉन आई बचेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आर को कवर्ड करेंगे तो R बराबर क्या हो गया? V अपॉन I हो गया। अथवा की बात करें तो R बराबर क्या हो गया? V अपॉन I। ये किससे समझ में आ रहा है आपको? फिगर से समझ में आ रहा है। देखिए ये जो बुक है ये निम्मी की है, कंप्लीट जो चेन्नई से चलती है निम्मी की बुक, उसका सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, विस्तृत रूप से अपन इसका सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं कि कैसे ये बुक अपने समझ में आएगी, किस प्रकार से अपन क्या होता है, कंप्लीट थ्योरी की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है दोस्तों, तो उस नियम से अपने को क्या समझ में आया? इस नियम से अपने को और ये समझ में आया कि वास्तव में ऊपर के समीकरण को पुनः यदि व्यवस्थित करोगे आप लोग, इस समीकरण को आप यदि व्यवस्थित करोगे तो क्या आ जाएगा? आई बराबर वी अपॉन आर आ जाएगा। और आई बराबर वी अपॉन कैसे आएगा तो वो अपने को फिगर थ्री में देखना है। अब देखिए ये आपके पास क्या दिया गया है? फिगर थ्री दिया गया है, चित्र नंबर तीन आपको दिया गया है फिगर। ठीक है, तो ये फिगर में देखना है आपको। फिगर में क्या देखना है कि वही एक कवर्ड, वही क्या है, एक त्रिभुज है, इसमें तीन भागों में, पार्टों में डिवाइड कर दिया, वी आई और आर में। ठीक है, अब की बार इसने क्या किया कि अब की बार इसने आई को क्या कर दिया? कवर्ड कर दिया। आई को क्या कर दिया? कवर्ड कर दिया, आई को छिपा दिया। तो आई को छिपाने से अपन क्या बचेगा? वी अपॉन आर। आई को छिपाने से क्या बचा? ऊपर वी नीचे आर। तो क्या आ गया भाई? वही इसका आ गया कि आई बराबर क्या हो गया? वी अपॉन आर। तो ये सूत्र बनाने के तरीके हैं कि किस प्रकार से आप इनको साधारण तरीके से, सरलतम तरीके से याद रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आई बराबर क्या आ गया? वी अपॉन आर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट आई की भी बात कर ली मैंने, अब इसी प्रकार से मैं किसकी बात करूंगा? इसी प्रकार से हम वी को ज्ञात करते हैं। तो वी बराबर क्या आता है? आई इंटू आर। वी बराबर क्या होता है? आई इंटू आर। तो ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास क्या है? एक वही फिगर नंबर फोर है, इसमें क्या दिखाया गया है कि वी को कवर्ड किया गया है, त्रिभुज में क्या किया गया है? वी को कवर्ड किया गया है, वी को छिपाया गया है। तो वी को छिपाने से केवल नीचे देखना, दोनों नीचे बच रहे हैं, क्या बच रहे हैं? आई इंटू आर। क्या बच रहे हैं? आई इंटू आर। तो वी बराबर क्या हो जाएगा? तो V बराबर हो जाएगा IR। V बराबर क्या हो जाएगा? IR, अथवा V बराबर IR। चित्र से अपने को क्या समझ में आया? V बराबर IR। देखिए दोस्तों, तो चित्र में ये जो खेल खेल में आपकी क्या चीज समझ में आ गई, खेल में आपको तीन सूत्र याद करवा दिए मैंने। क्या होगा? एक तो कि V बराबर IR, फर्स्ट जो आपका सूत्र हो गया V बराबर IR, सेकंड जो आपका सूत्र होगा कि I बराबर क्या हो गया? V अपॉन R हो गया। I बराबर क्या हो गया? V अपॉन R हो गया। जो थर्ड आपका सूत्र हो गया वो क्या हो गया? R बराबर क्या हो गया? V अपॉन आई हो गया। R बराबर क्या हो गया? V अपॉन आई हो गया। तो ये तीन सूत्र आपको याद हो चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं, और आगे मेरे को क्या दिया गया? फिगर नंबर फोर दिया गया, फाइव दिया गया, उदाहरण दिया गया आपको। एक उदाहरण में क्या दिया गया है कि मेरे को, जैसे इस उदाहरण की मैं बात कर लेता हूँ, तो उदाहरण में आपको ये चीज़ दी गई है। देखिए क्या चीज़ दिया गया है कि एक सर्किट है, इस सर्किट में 1.5 वोल्ट का अपने को सर्किट लगाया गया है, बैटरी लगाई गई है। ठीक है, और जो रजिस्टेंस है वो मेरे को 1 किलो ओम दिया गया है। रजिस्टेंस कितना दिया गया है? 1 किलो ओम। अब फिगर फाइव में प्रदर्शित परिपथ में प्रवाहित धारा कितनी होगी? इस जो
जो सर्किट है इस सर्किट में आई का मान कितना होगा, इस सर्किट में आई का मान कितना होगा वो चीज़ मेरे को ज्ञात करनी है। आई का मान ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए सबसे पहले अपने को क्या करना है, वही काम करना है। सबसे पहले जो चीज़ दिया गया है आपको उस चीज़ को नोट करना है, डाटा नोट करना है। तो वी का मान दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है, कितना है 1.5, मैंने नोट कर लिया, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। देखिए आर का मान मेरे को, प्रतिरोध का मान दिया गया है 1 किलो ओम, मैंने क्या किया, नोट कर लिया, 1 किलो ओम आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से अभी यदि मैं बात करूँगा किसकी, कि 1 किलो ओम, 1 किलो ओम को किस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 किलो ओम को अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं। दोस्तों ये चीज़ आपको याद रखनी है कि 1 किलो ओम को अपन 1000 ओम भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1000 ओम। और ये जो आपको दिया गया है, ये ओम है, ये सिंबल होता है प्रतिरोध का। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मात्रक होता है, सॉरी ओम। देखिए ज्ञात क्या करना है, आई का मान ज्ञात करना है। जो चीज़ दी गई है उसका डाटा नोट कीजिए, जो चीज़ ज्ञात करना है उसका डाटा नोट कीजिए। ज्ञात क्या करना है, आई का मान। और अभी मैंने सूत्र बताया था, 3 सूत्र आपके सामने बनाए थे मैंने, तो आई का सूत्र मेरे को यहाँ पर लिखना है। तो आई बराबर क्या हो गया, आई बराबर वी अपॉन आर आ गया। ठीक है दोस्तों, आई बराबर क्या आ गया, वी अपॉन आर आ गया। अब करना कुछ नहीं है, मान रखने हैं अपने सूत्र को। तो आई की जगह आई लिख दिया मैंने, वी का मान देर को दिया गया है 1.5 वोल्ट, वी का मान मैंने 1.5 वोल्ट लिख दिया। आर का मान मेरे को दिया गया है 1000 ओम, आर का मान 1000 ओम लिख दिया। जब 1.5 वोल्ट में 1000 ओम का 1000 का भाग दोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 0.0015 एम्पियर। कितना एम्पियर की धारा होगी उस सर्किट में प्रवाहित, जो भी मैंने आपको फिगर 5 में दिखाया था, उस सर्किट में 0.005 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। अब देखिए जो ये चीज़ आपको उत्तर बताया गया है कि उत्तर में क्या दिया गया, परिपथ में 0.005 एम्पियर की धारा है। ठीक है, अथवा परिपथ में 1.5 मिली एम्पियर की धारा है। देखिए ये चीज़ आपको कॉमन एक तरीका आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए मिली का मतलब क्या होता है, मिली का मतलब होता है 10 की घात -3। अब देखिए 10 की घात -3 कैसे कर दिया मैंने, यहाँ पर मेरे पास धारा कितनी आई थी, 0.0015। ठीक है, ये मेरे पास धारा आई थी 0.0015। अब इसको करना क्या है, इसको मैं क्या किया, मैंने इसको गुणा कर दिया। कितने से गुणा कर दिया भाई, मिली का मतलब क्या होता है, मिली का मतलब होता है 1000। तो 1000 से मैंने क्या कर दिया, इसको गुणा कर दिया। 1000 से गुणा करूँगा तो मेरे पास जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1.5 मिली एम्पियर। क्या आ जाएगा, 1.5 मिली एम्पियर। ठीक है, 1.5 मिली एम्पियर इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से तो अपने को इस चीज़ को समझना है। ठीक है दोस्तों, तो एक तो मैंने इस वीडियो में क्या समझा, इस जो लेसन मैंने चला रखा है अभ्यास नंबर 106 में मैंने क्या समझा, 106 में मैंने ये समझ लिया कि ओम के नियम का प्रयोग कैसे किया जाएगा। और कोई भी दो मान यदि मेरे को किसी दो मानों में से किसी भी एक लुप्त को मैं ज्ञात कर सकता हूँ, जैसे 3 मान थे मेरे पास, 3 मान में से 2 मान मेरे को दिए गए हों तो मैं 3रा मान ज्ञात कर सकता हूँ। जैसे मेरे को आई और आर का मान दिया गया है तो मैं किसका मान ज्ञात कर सकता हूँ, वी का मान मैं ज्ञात कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से कोई भी 3 मानों में से यदि 2 मान आपको दिए गए हैं तो आप 3रा मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यही अभ्यास वही रहेगा, अभ्यास 106 का सिद्धांत ही पढ़ रहे हैं हम। और अभ्यास 106 का सिद्धांत में क्या बताया गया है उस चीज़ के बारे में अपन बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब बात किसकी करते हैं अपन, अब बात करेंगे सरल वैद्युतिक परिपथ में शक्ति और ऊर्जा। इसकी बात करेंगे सरल वैद्युतिक परिपथ में शक्ति और ऊर्जा, पावर एंड एनर्जी इन सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट। एक मेरे पास सर्किट है, कौन सा सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट है। इस इलेक्ट्रिक सर्किट में पावर और एनर्जी की बात करेंगे। देखिए इस पाठ का उद्देश्य क्या क्या होगा, जो ये 106 में आपको बताया गया है सरल वैद्युतिक में, इसका उद्देश्य क्या क्या होने वाला है। तो जो इसका उद्देश्य होगा, फर्स्ट जो उद्देश्य होगा, एक सरल वैद्युतिक परिपथ में शक्ति की गणना करने में। एक मेरे पास सरल सिंपल परिपथ है, उसमें शक्ति कितनी होगी इसकी गणना भी कर सकता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद में मैं। ठीक है, सेकंड मैं क्या कर सकता हूँ, किसी लुप्त मानों में से एक को सूत्र P = V×I द्वारा ज्ञात करने में। कोई भी लुप्त मान है, उस लुप्त मान को P = I×VI से ज्ञात करने में भी मैं इस वीडियो में जानूंगा। ठीक है, इस जो मेरे पास दिया गया है लेसन नंबर 106 में जानूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। देखिए इसमें क्या है कि मेरे को सिंपल तौर से क्या है कि मैं बात किसकी कर रहा हूँ, वैद्युतिक परिपथ में कार्य की गणना निम्न से होती है। वैद्युतिक परिपथ में जो भी कार्य होगा ना उसकी गणना किससे होती है, उसकी गणना होती है W = V
और वी क्यू, ठीक है, वी क्यू जूल से किसके से होती है, डब्लू बराबर वी क्यू जूल। अब डब्लू तो क्या हो गया यहाँ पर, डब्लू को किससे प्रदर्शित करते हैं, कार्य को डब्लू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, तो डब्लू को क्या हो गया, कार्य का मान हो गया, वी क्या हो गया, वोल्ट हो गया, क्यू क्या हो गया, यहाँ पर कूलाम हो गया, ठीक है, आवेश हो गया, क्यू क्या हो गया, आवेश हो गया। जहाँ मेरे को दिया भी गया है, देखो ये दे रखा है मेरे को डब्लू बराबर किया गया कार्य, किया गया कार्य जूल में भी हो सकता है, ठीक है, वी क्या हो गया, विभवांतर, वी क्या हो गया, विभवांतर, विभवांतर किसे कहते हैं, ठीक है, तो उसकी हम बात कर चुके हैं, बात करेंगे किसकी, वोल्टेज की, वोल्ट का मतलब क्या हो गया, वोल्टेज में लिया जाएगा विभवांतर को, और क्यों कूलाम को सी आवेश में लिया जाएगा, ठीक है, जो ये रीडिंग अपन लेंगे। चूँकि क्यों बराबर आई टी होता है, पढ़ा होगा आपने, क्यों बराबर क्या होता है, आई टी होता है, तारा पढ़ी होगी ना, आवेश प्रवाह की दर, आई बराबर क्यों अपॉन टी, पढ़ी होगी ना, आई बराबर क्यों अपॉन टी, धारा क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर, यहीं से क्या सूत्र आया था कि क्यों बराबर आई टी, क्यों बराबर क्या आया था, आई टी, इसको मैंने यहीं रहने दिया, इसको इधर ही गुणा कर दिया, तो क्या आ गया, क्यों बराबर आई टी आ गया मेरे पास। चूँकि क्यों बराबर आई टी, अर्थात मेरे को क्या दिया गया है कि धारा के एक एम्पियर के मान के लिए, यदि मेरे को एक एम्पियर के मान की धारा चाहिए तो एक सेकंड में किए गए कार्य को निम्न समीकरण होती है, W बराबर वी आई टी, ठीक है, W बराबर वी आई टी जूल आ गया, ठीक है, कार्य की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, W बराबर वी आई टी। अब मैंने क्या किया, क्योंकि जगह क्या रख दिया मैंने, आई टी को रख दिया, क्योंकि जगह क्या किया, आई टी को रख दिया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, क्यों था, इस क्योंकि जगह आई टी को रख दिया, तो क्या बन गया, W बराबर वी आई टी, क्या बन गया, W बराबर वी आई टी। अब देखिए दोस्तों, अब क्या करना है आगे, जहाँ W क्या है, जे W जूल्स में, जे में किया गया कार्य अथवा व्यय की गई ऊर्जा है, ठीक है, वी क्या है, वोल्ट, वी में विभवांतर है, आई क्या है, एम्पियर धारा है, टी क्या है, समय सेकंड है, ठीक है। सर नेक्स्ट अपने पास आता है, शक्ति को कार्य करने की दर में परिभाषित किया जाता है, जो अपनी शक्ति होती है, पावर होती है, इस पावर को कार्य करने की दर में परिभाषित किया जाएगा, ठीक है, शक्ति को किस में परिभाषित किया जाएगा, कार्य करने की दर में परिभाषित किया जाता है, तो शक्ति P बराबर क्या आ गया, P बराबर W अपॉन T आ गया, ठीक है, P बराबर क्या आ गया, P बराबर W अपॉन T, कार्य का जो परिभाषा होगी क्या होगी, कार्य करने की दर क्या कहलाएगी, शक्ति कहलाती है, अर्थात पावर P बराबर क्या हो गया, एनर्जी बटे टाइम, P बराबर क्या हो गया, एनर्जी बटे टाइम हो गया, ठीक है, W अपॉन T हो गया, जूल पर सेकंड, इसका जो मात्रक होगा, कार्य का मात्रक क्या आ गया, कार्य का जो मात्रक होगा जूल होगा, और समय का मात्रक सेकंड होगा, ठीक है, तो जूल पर सेकंड किसका मात्रक होगा, शक्ति का मात्रक होगा, शक्ति का मात्रक एक मात्रक क्या हो गया, जूल पर सेकंड, शक्ति का पहला मात्रक क्या हो गया, जूल पर सेकंड, या फिर इसको किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, P बराबर W अपॉन T, P बराबर W अपॉन T, और जूल पर सेकंड, या फिर दूसरा जो सेकंड मात्रक होता है वो क्या होता है, शक्ति का वाट भी होता है, वाट भी होता है। देखिए अब मेरे को एक उदाहरण दिया गया है, इस उदाहरण में मेरे को क्या दिया गया है वो चीज़ आपको देखनी है, तो देखिए उदाहरण मेरे को क्या दिया गया है कि एक परिपथ में 120 वोल्ट का ईएमएफ, एक सर्किट है, उस सर्किट में 120 वोल्ट का ईएमएफ का 3 एम्पीयर धारा प्रवाहित करता है, ज्ञात करो 12 सेकंड में स्रोत द्वारा कितनी ऊर्जा प्रदान की जाती है, 12 सेकंड में कितनी ऊर्जा उस स्रोत से कार्य है वो किया जाएगा। देखिए वी का मान मेरे को दिया गया है, वी का मान सबसे पहले डाटा नोट करना, डाटा कैसे नोट करेंगे, जो चीज़ दिया गया है उसको एक साइड में लिखो, जो चीज़ याद करनी है उसको एक साइड में लिखना है आपको। देखिए वी का मान मेरे को ज्ञात करना है, वी कितना दिया गया है, सॉरी वी का मान दिया गया है, तो वी का मान कितना दिया गया, 120 वोल्ट, ठीक है, इस प्रकार से लिख दूंगा। आई का मान 3 एम्पीयर दिया गया, 3 एम्पीयर लिख दिया, ठीक है, टी का मान 12 सेकंड दिया गया, 12 सेकंड मैंने लिख दिया, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, वी से प्रदर्शित करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं, और एस से प्रदर्शित करते हैं समय को। अब ज्ञात क्या करना है, डब्लू का मान ज्ञात करना है, ऊर्जा ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करना है, डब्लू का मान ज्ञात करना है, कितना कार्य किया गया वो चीज़ मेरे को ज्ञात करनी है। तो मेरे को पता है, अभी मैंने पढ़ा था कि क्या पढ़ा था मैंने, W बराबर वी आई टी, डब्लू बराबर वी आई टी, अभी मैंने ये सूत्र पढ़ाया था आपको, W बराबर वी आई टी, ठीक है, अब ये सूत्र है, इसमें मान रख दो, जो चीज़ दिया गया है, हल क्या हो गया इसका, W बराबर V का मान कितना था, 120 था, ठीक है, V का मान 120 रख दिया, 3 एम्पियर की धारा थी, 12 सेकंड के लिए प्रवाहित हो रही थी, कार्य हो जाएगा, कार्य कितना आ गया, देखिए 12 थी 36, 360 एम्पियर, और 360 को 12 से गुना किया तो कितना आ गया, 4320 जूल का कार्य किया गया, कितना कार्य किया गया, 4320 जूल का कार्य किया गया, किसमें किया गया, एक परिपथ था जिसमें 120 वोल्ट का ईएमएफ था, 3 एम्पियर धारा थी 12 सेकंड के लिए, तो उसकी जो ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, 4320 जूल होगी, ठीक है। इसी प्रकार से तो जो अपने को नेक्स्ट बताया गया है कि उत्तर क्या आ गया, स्रोत द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा कितनी होगी, 4320 जूल होगी,
होगी, ठीक है। पावर, अभी मैंने क्या बताया था, पावर को बताया था ना, पावर क्या बताया था, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर डब्ल्यू अपॉन टी या फिर ई अपॉन टी, डब्ल्यू अपॉन टी या फिर ई अपॉन टी। ई ई क्या होता है, ई ई अभी मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले, ई क्या हो गया एनर्जी, और एनर्जी का सूत्र मैंने जस्ट एक मिनट पहले बताया था कि वी आई टी, एनर्जी का सूत्र क्या होता है वी आई टी, कार्य क्या होता है वी आई टी, कार्य ऊर्जा एनर्जी, कार्य ऊर्जा और कार्य दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो ई बराबर क्या हो गया, ई बराबर या फिर डब्ल्यू बराबर वी आई टी, ई बराबर या वी बराबर सॉरी ई बराबर या फिर डब्ल्यू बराबर क्या हो गया वी आई टी। तो मैंने क्या किया, सिंपल सा एक फॉर्मूला अपनाया कि पावर बराबर क्या हो गया, ई की जगह मैंने वी आई टी रख दिया, ई की जगह मैंने क्या रख दिया वी आई टी, और समय टाइम टी सेकंड में ही था, तो टी से टी मेरा कैंसिल हो गया, बच क्या गया वी आई बच गया, बच क्या गया वी आई। और अभी मैंने आपको बताया था कार्य का जो मात्रक होता है, पावर का जो मात्रक होता है, जो शक्ति होती है वो क्या होती है जूल पर सेकेंड, शक्ति का मात्रक क्या होता है जूल पर सेकेंड, शक्ति का मात्रक क्या होता है जूल पर सेकेंड। अब देखिए यहाँ मेरे पास क्या बचा, क्योंकि यहाँ मेरे पास बचा वी आई का मान बचा, शक्ति बराबर क्या बची धारा इंटू वोल्ट, शक्ति बराबर क्या बची मेरे पास धारा इनटू वोल्टेज बची। तो धारा शक्ति का मात्रक, जो शक्ति का जो अपने को एक और सूत्र प्राप्त हो गया, यहाँ से क्या प्राप्त हो गया धारा इनटू वोल्टेज, शक्ति का सेकंड सूत्र क्या मिल गया धारा इनटू वोल्ट का, ठीक है वी आई वाट। और एक वाट में क्या होता है एक जूल पर सेकंड, क्योंकि जो शक्ति है इस पावर का जो यूनिट होती है वो क्या होती है जूल पर सेकंड। तो एक वाट बराबर क्या हो गया एक जूल पर सेकंड, एक वाट बराबर एक जूल पर सेकंड, ठीक है दोस्तों। देखिए चूंकि धारा और वोल्टता सुगमगामी से मापी जा सकती है, मैंने अभी आपको बताया था धारा और वोल्टता है जो आसानी से मापी जा सकने वाली संख्याएं हैं, इस संबंध में आप प्रयोग में लाएंगे शक्ति और मौलिक मात्रक वाट में। शक्ति का जो मौलिक मात्रक होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ये चीज़ मैं आपको ये आप बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आईटीआई ट्रेड के लिए भी और कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी, आईटीआई पास होने के लिए भी आपको ये चीज़ याद होना ज़रूरी है। ये बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, क्या होगी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी कि जो शक्ति का जो मौलिक मात्रक होगा पी पावर, पावर का जो मात्रक होगा वो किस में होगा वाट में होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पावर का मात्रक वाट में, जबकि वोल्टेज को वोल्ट में मापेंगे और धारा को एम्पियर में मापेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि शक्ति का मौलिक मात्रक वाट में होता है जबकि वोल्टता वोल्ट में होती है और धारा क्या होती है एम्पियर में होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं अपन, नेक्स्ट निम्न सूत्र। अब देखिए पहले मैंने किसको पढ़ा था ओम के नियम को, किससे पढ़ा था एक अपने फिगर डायग्राम से समझने की कोशिश की थी त्रिभुज आकृति के रूप में, इसी प्रकार से अब किसको पढ़ेंगे, अब अपन इस त्रिभुज संबंध को समझने में सहायक करेंगे, किसको पावर को। तो इसमें वही बात है, वही चीज़ मैंने बना दी फिगर फर्स्ट में, देखिए पावर को मैंने इस प्रकार से डिनोट कर दिया, ऊपर पी हो गया नीचे आई इंटू वी हो गए, ठीक है वी का मतलब वोल्टेज, आई का मतलब करंट, पी का मतलब पावर हो गई, ठीक है दोस्तों। तो ये किसका सूत्र है, ये मेरे पास जो मैंने बनाया है ये पावर के लिए एक त्रिभुज संबंध बनाया जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है जिससे आपको आसानी से समझने के लिए आ जाए। एक बार मैं फिर आपसे बता देता हूँ, ये जो वीडियो चल रहा है ये इलेक्ट्रिशियन प्रथम ईयर का चल रहा है और अभ्यास नंबर 106 से संबंधित सिद्धांत की हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। ये वीडियो आईटीआई क्लासेज के लिए और जो कंपटीशन के लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर आप ज़रूर करें जिससे कि सभी लोगों को इस चीज़ के बारे में पता लगे, ठीक है दोस्तों। देखिए वही डायग्राम था, मैंने क्या समझा शक्ति, अभी मैंने बात की थी शक्ति, शक्ति क्या होती है पी बराबर वी इंटू आई, मैंने बात की थी अभी पी बराबर वी इंटू आई, तो ये चीज़ मेरे को दिखाई गई है, अथवा पी बराबर आई वी भी देख सकते हैं चित्र सेकंड में। अब देखिए ये देखो समझने के लिए बहुत ही आसान होता है, जो ये जो अपने पास त्रिभुज डायग्राम है बहुत ही आसान होता है याद रखने के लिए, दिमाग में आपको बैठाने के लिए। तो फिगर टू में क्या दिया गया है, वही एक त्रिभुज दिया गया है, लेकिन इसमें पी जो है जहाँ पर पी लिखा हुआ था इस पी को क्या कर दिया गया कवर्ड कर दिया गया, इस पी को क्या कर दिया छिपा दिया गया। तो पी को छिपाएंगे तो नीचे क्या बचेगा आई इंटू वी, तो पी का सूत्र कितना होता है पावर कितनी होती है आई इंटू वी, पावर का सूत्र क्या आ गया यहाँ से निकल करके मेरे सामने पी बराबर आई इंटू वी, पी बराबर आई इंटू वी आ गया, ठीक है। सूत्र को पुनः व्यवस्थित करें, यदि इसको और तरीके अच्छे तरीके से अपन सजा करके व्यवस्थित करें तो इसको व्यवस्थित करेंगे
जब शक्ति और वोल्टता ज्ञात हो तो धारा को ज्ञात करने का सूत्र में ज्ञात करना। जब मेरे पास दो चीज़ों का मान, किसी भी तीन यूनिट में मेरे को दो चीज़ों का मान दिया गया है, तीसरी का निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो शक्ति बराबर क्या हो गया, अभी मैंने पढ़ा था, पावर क्या हो गई, डब्लू अपॉन टी कार्य करने की दर, शक्ति हो गई कार्य करने की दर। मात्रक क्या आ गया, जूल पर सेकेंड, शक्ति का मात्रक क्या आ गया, जूल पर सेकेंड। दूसरा मात्रक वाट, याद कर लेना, शक्ति का मात्रक जूल पर सेकेंड, सेकेंड मात्रक वाट, शक्ति का मात्रक जूल पर सेकेंड, सेकेंड मात्रक वाट, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब मेरे को यदि इसको व्यवस्थित करूँ मैं अच्छे तरीके से, यदि मैं समझना चाहूँ यहाँ से फिगर थर्ड के मैं रूप में समझना चाहूँ, तो फिगर थर्ड में मैं क्या समझ सकता हूँ, फिगर थर्ड में आप ये समझ सकते हो कि पहले तो मैंने पी को कवर किया था, अब मैंने क्या कर दिया, इस आई को कवर्ड कर दिया, अब इस आई को क्या कर दिया, छिपा दिया। तो क्या बचेगा मेरे पास, पी अपोन वी, क्या बचेगा, पी अपोन वी। तो आई बराबर क्या हो गया, आई बराबर पी अपोन वी हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं आई बराबर क्या हो गया, पी अपोन वी हो गया। तो एक ये सूत्र हो गया, पावर का ही ये सूत्र है। यदि मेरे को धारा का मान ज्ञात करना हो तो कैसे लिखेंगे, शक्ति बटे वोल्टेज, शक्ति बटे वोल्टेज, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ अपने को वही चीज़ दे रखी है कि ये चीज़, ठीक है। अब बात करेंगे किसकी, वोल्टता की। वोल्टता का जो फिगर फोर्थ है वो आपको देखना पड़ेगा, फिगर फोर्थ में देखते हैं, फिगर फोर आपको देखना पड़ेगा। फिगर फोर क्या दिया गया है, इसमें भी एक त्रिभुज बनाया गया है जिसमें वी को कवर किया गया है, वी को छिपाया गया है, और वी को छिपाने से क्या बचता है, पी आई बचती है, पी अपोन आई बचती है। तो ये सूत्र आपके सामने ये रहा, वी बराबर पी अपोन वाई। यदि आपको वी का मान ज्ञात करने के लिए बोला जाए कि वी का मान आपको ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, शक्ति बटे द एम्पियर, शक्ति बटे धारा, शक्ति बटे धारा, किसका मान ज्ञात करने के लिए, वी का मान ज्ञात करने के लिए। अब देखिए दोस्तों, अब मेरे पास यहाँ पर क्या दिया गया है, इसमें मेरे को दिया गया है एक उदाहरण, और उदाहरण क्या दिया गया है, एक वैद्युतिक हीटर है, उस वैद्युतिक हीटर को 230 वोल्ट आपूर्ति स्रोत से 3 एम्पीयर की धारा लेता है, तो कितनी शक्ति दी जाएगी। एक हीटर है, जो हीटर 230 वोल्ट के आपूर्ति स्रोत से जुड़ा हुआ और 3 एम्पीयर की धारा ले रहा है, तो पावर कितनी होगी उसके अंदर, ठीक है। ये चीज़ मेरे से पूछी गई है। देखिए, अब वही चीज़ मैंने अभी बताया था, जो चीज़ दिया गया है एक साइड में लिखो, जो चीज़ ज्ञात करना है दूसरी साइड में लिखो। क्या ज्ञात करना है, धारा ज्ञात करनी है। आई का मान, आई का मान दिया गया है, कितना दिया गया है, 3 एम्पीयर, आई का मान 3 एम्पीयर लिख लिया। वोल्टेज का मान 230 वोल्ट दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है। क्या ज्ञात करना है, पावर ज्ञात करनी है, शक्ति ज्ञात करनी है। शक्ति का सूत्र क्या होता है, पी बराबर वी इंटू आई, अभी मैंने आपको बताया था। तो पी बराबर 230 इंटू 3 बराबर 690 वाटेज आ गई इस सर्किट में। पावर को जो पावर बराबर पावर निकालना है, तो वोल्टेज और धारा का गुणनफल कर दो। वोल्टेज कितनी थी, 230, धारा कितनी थी, 3 एम्पीयर, दोनों का गुणनफल कर दिया, कितना आ गया, 690 वाट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये पी अपने को दिया गया था, ठीक है। तो शक्ति वैद्युतिक ऊष्मा की जो निवेशित शक्ति होगी 600 वाट हो जाएगी। अब देखिए, अब मेरे को जब प्रतिरोध का मान ज्ञात हो, देखिए एक चीज़ और है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, डीएमआरसी 2016 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, 2018 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया। यदि यहाँ से सूत्र आपसे नहीं पूछा जाएगा, डायरेक्ट दो तीन तरीके से सवाल पूछने के मेथड होते हैं एग्जामिनर के, एक तो वो आपको डायरेक्ट इस सूत्र को दे देगा, ठीक है, कि अपने को रेजिस्टेंस ड्रॉप या वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करना है, तो वो चीज़ के लिए आ गया। सेकेंड, मेरे को आप इस प्रकार से सूत्र के रूप में देगा, या फिर मेरे को हिंदी में लिख के देगा कि जैसे धारा वोल्टेज के समानुपाती होती है, इस प्रकार से लिख के देगा जो 2016 में आपसे पूछा गया था। और थर्ड है जो आपको ये न्यूमेरिकल के ऊपर इस क्वेश्चन को दे सकता है। तो तीन तरीके हैं, तीनों तरीके में से किसी भी तरीके में ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आपसे सामने एक बार आ ही जाता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, अब ये यहाँ पर बताना क्या चाह रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो क्या समझाना चाहता है ये यहाँ पर, जब प्रतिरोध का मान ज्ञात हो, जब मेरे को रेजिस्टेंस का मान दिया गया हो, जो शक्ति है, शक्ति में मेरे को रेजिस्टेंस का मान दिया गया हो, तो आई अथवा वी का मान उपयुक्त सूत्र में प्रतिस्थापित किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। जब मेरे को रेजिस्टेंस दे रखा है, धारा का मान भी दे रखा है, वोल्टेज नहीं दे रखा है, और मेरे को फिर पावर ज्ञात करनी है, भाई आप लोग ये कहोगे कि सर पावर का सूत्र तो पी बराबर वी इंटू आई होता है, तो वो भी सरासर गलत है। बिल्कुल ये तो होता है, ये तो एक सूत्र है, इसके अतिरिक्त इससे अपन दो तीन सूत्र और बना सकते हैं। पहले मैं सूत्र ही बनाने का काम करता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया कि P बराबर V इंटू आई था, ठीक है। V बराबर क्या होता है, अभी मैंने बताया था, V बराबर आई आर, V बराबर क्या होता है, आई आर। तो मैंने क्या किया, इस जो V है, इस V की जगह आई आर रख दिया,
देखिए वी की जगह क्या रख दिया, आई आर रख दिया, वही क्या मैं यहाँ पर इस सूत्र में कर रहा हूँ, पी बराबर वी की जगह आई आर मैंने रख दिया, ये आई आर मैंने रख दिया इंटू आई, तो क्या बन गया आई स्क्वायर आर। एक तो ये सूत्र बन गया, ठीक है, पावर के लिए जो एक सूत्र था तो यार पी बराबर वी इंटू आई पहला सूत्र, सेकेंड सूत्र मेरे पास क्या हो गया पी बराबर आई स्क्वायर आर, सेकेंड पावर ज्ञात करने के लिए पी बराबर आई स्क्वायर आर, और थर्ड सूत्र क्या हो गया, अब मैंने क्या किया कि आई बराबर क्या होता है वी अपोन आर, आई बराबर वी अपोन आर, ठीक है, तो अब मैंने क्या किया कि जो आई ये था आई, इस आई की जगह वी अपोन आर रख दिया, तो वी की जगह तो वी है लेकिन आई की जगह वी अपोन आर रख दिया मैंने, तो सूत्र क्या बन गया वी स्क्वायर अपोन आर वाट, ठीक है। तो पावर ज्ञात करने के तीन मेथड हो गए, कौन कौन सा, एक तो पी बराबर वी इंटू आई, सेकेंड हो गया पी बराबर वी आई स्क्वायर आर, और थर्ड हो गया वी स्क्वायर अपोन आर, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने क्या क्या पढ़ लिया, दो पार्ट पढ़ लिए हमने, पहला पार्ट में हमने ओम के नियम का अनुप्रयोग से संबंधित पढ़ा, और सेकेंड पार्ट में हमने क्या पढ़ा है, सेकेंड पार्ट में हमने शक्ति और जो ऊर्जा है उसके बारे में कंप्लीट पढ़ लिया है, किस प्रकार से अपने इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार मैं फिर से आपको इस चीज़ के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा, कि जो ये हम पढ़ा रहे हैं ये निम्मे की बुक है, निम्मे की फर्स्ट ईयर की आईटीआई इलेक्ट्रीशियन की बुक है, ये हम जो कंपटीशन बेस पे इसको स्टार्ट कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट हो उसके, क्योंकि प्रत्येक जो एग्ज़ाम होता है आपका टेक्निकल से संबंधित किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, उसमें जब आप रिव्यू लगाते हो अपने जो ऑब्जेक्शन हैं आंसर की के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाते हो, तो उस ऑब्जेक्शन में आपसे स्पष्ट रूप से बोला जाता है कि आपको निम्मे का ही ऑब्जेक्शन यहाँ पर चलेगा, अनिवार्य होगा निम्मे के बुक के ऊपर ही आप यहाँ पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। तो मैंने क्या किया, मैंने कंप्लीट ये वीडियो है ये निम्मे पैटर्न से आपके लिए बनाया है, कि कंप्लीट ये जो बुक है देखिए इसमें नीचे लिख भी रखा है कि इलेक्ट्रीशियन प्रथम ईयर की बुक है, और अभ्यास जो चल रहा है ये रिलेटेड जो थ्योरी चल रही है वो 106 से संबंधित चल रही है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बाय, आज की वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। दोस्तों यदि वीडियो हमारे ये आपको अच्छा लगे, यदि आप इस प्रकार का और वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो प्लीज़ जो भी आप वीडियो बनवाना चाहते हैं जिस भी रिलेटेड थ्योरी से संबंधित किसी भी चीज़ से संबंधित, तो आप मेरे को इस वीडियो में के नीचे कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें कि सर मेरे को इस रिलेटेड थ्योरी का वीडियो चाहिए, या फिर जो भी पर्सनल आपका टॉपिक हो उस टॉपिक से संबंधित, मैं निम्मी पैटर्न बेस के ऊपर आपको उस टॉपिक से संबंधित जो भी इंक्वायरी होगी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर की, जो भी आपकी इंक्वायरी है, जो भी आपके कमेंट आएंगे आपके कमेंट के ऊपर, मैं ओनली फॉर ओनली निम्मी पैटर्न के ऊपर निम्मी की बुक का जो सोल्यूशन है वो आपको इस प्रकार से करवा दूंगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, तब तक के लिए बाय, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।